तुम चाहे लाख कोशिश कर लो ये साबित करने की चैतन्य, लेकिन मैं तो तुम्हें ये यकीन दिला कर ही रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी अदिति हूं। चैतन्य, तुमने मुझे अदिति कहा, मैं फिर से जी उठी। चैतन्य, क्यों मैंने खुद को तुमसे इतने दिनों तक दूर रखा? मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे माफ कर दोगी ना? ऐसा क्यों कह रहे हो चैतन्य? अरे मैं तो तुमसे कभी नाराज थी नहीं। सच में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। अब तुम देखना अदिति, मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लौट आई हो, सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या जगह है, मेरी जिंदगी में क्या मायने है। सबको बताऊंगा कि मेरी खुशियां, मेरी अदिति मेरी जिंदगी में लौट आई है। एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। इतने दिनों बाद मेरी अदिति मेरी खुशियां लौट के आई है तो जश्न तो होना चाहिए ना। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया है। मैंने दुनिया भर की खुशियां पा ली, मानो जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हूं। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया। अनुपमा तुम ठीक हो ना? अनुपमा, सच सच बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं समझ सकती हूँ अनुपमा, जिस गहरे दर्द का एहसास तुम महसूस कर रही हो, मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूं। जानती हूं एक औरत दुनिया की हर शय हर दौलत बांट सकती है, पर अपने मां के सिंदूर का बंटवारा गवारा नहीं कर सकती। संभालो अपने आप को अनुपमा। चैतन्य,
सके ही नहीं रहोगी। उसको क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में? अरे शुक्र मनाऊंगी भगवान का जब तू जाएगी इस घर से। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, चैतन्य ने मुझे अतिथि स्वीकार कर लिया है। मेरी आंखों के सामने अचानक मेरी दुनिया बिखर गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस दिन मायके से विदा होकर ससुराल आई थी, ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लिया था, पर अब तो ये दुनिया भी मुझसे छिन गई। ना मेरा मायका रहा, ना मेरा ससुराल, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ चैतन्य ने नेहा को अदिति मान लिया। ऑफ कोर्स, मैंने अदिति होने की एक्टिंग ही इतनी अच्छी की थी कि चैतन्य को तो मानना ही पड़ा। मैं उसके पास चाकू लेकर गई। अचानक चैतन्य ने नेहा को अदिति कैसे मान लिया? कल तक तो वो नहीं, नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। इस चैतन्य पर नजर रखनी होगी।
नहीं जानता तुम, तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, पर मैं सच्चाई से और मुंह नहीं मोड़ सकता। अदिति मेरी पहली पत्नी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार, अनुपमा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम्हारा दिल यूं दुखाऊंगा, पर क्या करूं, अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाए। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, कॉफी। थैंक यू बेटी। माँ जी, अनुपमा के लिए भी कॉफी बनाई है, उसे देकर आती हूँ। समझ सकती हूँ उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। देखिए ना, पहले किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही थी और उसे रुला रही है। हाँ, मैं उसकी तकलीफ उसका दर्द बांट तो नहीं सकती, पर उसे हिम्मत तो दे सकती हूँ, हौसला तो दे सकती हूँ। मैं जाकर अनुपमा को संभालती हूँ। मुझे कुछ कहने का तो हक नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज जो घर में हालात हैं, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बातों को जितनी जल्दी साफ कर दिया जाए हमारे घर के लिए उतना ही बेहतर होगा, है ना मां? मां, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कानून की नजर से देखें तो अनुपमा नहीं बल्कि अदिति चैतन्य की पत्नी है, इसलिए मॉम अब अनुपमा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस लिहाज से जो जो हक आपने अनुपमा को बड़ी बहू होने के हैसियत से दिए थे, आपको अनुपमा से वापस ले लेने चाहिए। हाँ मासा, मासा आपने जो शेयर्स भाभी साहब को दिए थे वो तो आप उनसे वापस लेंगे ही ना, क्योंकि वो शेयर्स तो आपने अपनी बड़ी बहू के लिए लिए थे। अब जब भाभी सा चैतन्य भाई सा की पत्नी होने का हक हो चुकी है तो फिर बड़ी बहू होने का हक तो वो अपने आप ही। आप समझ रही है ना मासा, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं।
अनुपमा, अब तुम कहां जाओगी? इस घर से तो बेघर हो ही चुके हो, और अब तुम्हारा मायका, वहां भी तुम्हें कोई नहीं रखेगा। बेसहारा बेघर होकर कहां कहां भटकोगे? जितने खुश हम आज हैं, उतने खुश हम कभी नहीं थे। अनुपमा, बहुत गुरूर, बहुत घमंड थाना तुम्हें अपने पति पर। चकनाचूर हो गया तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड। अब तो सासू माँ भी किसी और को ही अपनी बड़ी बहू मान रही है। अब देखूंगा तुम अकेली क्या करोगी। बेसहारा बेघर लोग बहुत बेबस हो जाते हैं अनुपमा। मेरे पति की जिंदगी में तुमने अपनी जगह जरूर बना ली थी अनुपमा, लेकिन मैं फिर से अपने पति की जिंदगी में लौट आई हूं। मैंने अपने चैतन्य को फिर से पा लिया है, इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे मनहूस साए से भी अपने पति को दूर रखूंगी। चैतन्य की पहली पत्नी मैं पहली पत्नी के होते हुए जो दूसरी होती है वो दूसरी औरत ही कहलाती है। आइंदा अगर तुमने मेरे चैतन्य को नजर भर के देखा या उसके बारे में सोचा भी, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे उस चैतन्य की जिंदगी से दूर चले जाओ, और आइंदा फिर कभी उसकी जिंदगी में वापस लौटने की जरूरत नहीं करूंगी। चली जाओ हमेशा के लिए, समझी तुम? Just get out!
अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। अदिति, जो कुछ हुआ उसे भूल जा और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचो। मिस्टर शेखावत, आई एम रॉजर फ्रॉम FBI। यू आर अंडर अरेस्ट।